घूमने का शौक किसे नहीं होता है और घूमने के लिए सबके अपने पर्यटन स्थल होते हैं जहां जाना वह बेहद पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे खतरनाक पर्यटन स्थलों को देखा है? अगर नहीं तो आज देखिए। नंबर 5, माउंट ह्यूसेन, चाइना। यह जगह कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ दो ही प्रकार के लोग जाते हैं, एक मूर्ख और दूसरे वो जिनके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। यह जगह जमीन से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर है। इसे पार करने के लिए आपको एक लकड़ी के पुल पर चलना होता है जो हर वक्त हिलता रहता है। यहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना। नंबर 4, विलेरी का ज्वालामुखी, चिले। आप सभी ने बंजी जंपिंग के बारे में जरूर सुना होगा, जहाँ इंसान को रस्सी से बांधकर नीचे गिराया जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है, लेकिन बंजी जंपिंग में जहाँ नीचे नदी होती है, यहाँ नीचे एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ आपको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका जाता है और आप ज्वालामुखी के बिल्कुल ऊपर होते हैं। नंबर 3, ट्रोलटुंगा, नॉर्वे। फेसबुक पर आपने यह जगह काफी ट्रोल होते हुए देखी होगी। यह जगह असल में नॉर्वे में है। इसका नाम ट्रोलटुंगा है। इस पर चढ़कर आपको ऐसा व्यू मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोग इस पत्थर पर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन इससे नीचे देखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि यह पत्थर बहुत ही फिसलन भरा और डरावना है, इसलिए यह जानलेवा है। नंबर 2, वोल्केनिक बोर्डिंग। आमतौर पर सर्फिंग समुद्र की लहरों पर की जाती है, लेकिन यहाँ सर्फिंग एक जिंदा और सक्रिय ज्वालामुखी की ढलान पर होती है। इस ज्वालामुखी का नाम है निकारागुआ। यह दुनिया की सबसे अस्थिर ज्वालामुखियों में से एक है जो कभी भी फट सकता है। नंबर 1, रनिंग ऑफ द बुल्स। स्पेन में एक अजीब त्योहार मनाया जाता है जहाँ 6 सांडों को लोगों से भरे रास्ते पर छोड़ा जाता है। इस रास्ते पर 20,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। इन सांडों के अटैक से हर कोई बचने का प्रयास करता है। हर साल लगभग 100 लोग इस खेल में जख्मी हो जाते हैं और 12 लोगों की मौत हो जाती है।